कोरोना संकट के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऊना जिला प्रशासन को करीब 2.5 लाख रुपए का सामान प्रदान किया है, जिसमें 100 पीपीई किट्स, 500 एमएल के 200 सैनिटाइजर व 15,000 मास्क शामिल हैं। इसके अलावा इसमें थर्मल स्कैनर का भी प्रावधान है। इससे पहले भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला प्रशासन को 30 पीपीई किट सौंप चुका है। उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने कहा कि आरएसएस बेहतर कार्य कर रहा है। कुछ ONGC और RSS के माध्यम से हमें कुछ PPE किट्स और सैनिटाइजर मास्क जो है वो जनरल पब्लिक तक पहुंचाने के लिए भेजा रहे, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी कंट्रीब्यूशन है हमें, इससे हमें बहुत इनकरेजमेंट मिल रही है। आगे जो COVID-19 के अगेंस्ट हमारी जो लड़ाई चल रही है, संकट की घड़ी में सभी समाज से भी संस्थाएं आगे आ रही हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और विशेषकर दिनेश मेनन जी सिंगल हैंडेडली जो है वो कई तरह के जो है वो समाज में इस वक्त योगदान दे रहे हैं, मैं इनकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। जो 100 पीपी किट है और 200-500 एमएल के सैनिटाइज़र हैं, N95 मास्क हैं 200, और थर्मल स्कैनर का भी प्रावधान है, वो भी हम ला रहे हैं। मास्क हैं 15,000 और जो आज का तो 2,50,000 का लगभग सामान है। इससे पहले आपने कैश भी दिया है? कल 3 लाख प्रधानमंत्री राहत कोष में माननीय, और 1 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष में कल दिया है। इसके अलावा आपकी क्या कर रहे हैं आप? हम जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है 23 मार्च से लेकर और आज तक, तीनों टाइम भोजन, चाय, दूध, कॉफ़ी, जो भी एसेंशियल सर्विसेज देते हैं, पुलिस, सफाई कर्मी और डॉक्टर्स और प्राइवेट नर्सिंग होम और गवर्नमेंट नर्सिंग होम और मेडिकल की जो शॉप्स हैं, जो उनके लिए चाय, पानी, नाश्ता 24 घंटे दिन में 3 बार कर रहा। इसमें आपकी कौन सहायता करता है? खुद की और फैमिली की प्रेरणा से शुरू किया, उसके बाद 2.5 लाख रुपया मुझे ONGC ने दिया और मेरे मित्र गण, जब मेरे कार्य को देखा उन्होंने कि 24 घंटे लगा हुआ है, तो बहुत सारे दोस्त मेरे साथ आए। एक अमेरिका से मेरे दोस्त हैं, रजेश जी हैं, संगीना जी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पीछे आके खड़े हो गए। अभी धन का कोई कमी नहीं, मैं क्या कैसे उनका गुणगान गाऊँ, मुझे खुद समझ में नहीं आता, धन की वर्षा कर दी उन्होंने। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा के साथ अनिल पटियाल की रिपोर्ट। हेलो एवरीवन, दिस इज शगुन सिक्का फ्रॉम रॉकफोर्ड डे बोर्डिंग सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल ऊना। As you all know, the whole world is suffering from COVID-19. So it's our first and the only priority to stay at home. While staying at home, we should not waste our time in just doing nothing. We can utilize our time in various ways, like learning different talent at home from the different members of our family, helping our mother in household work. But the most important thing, which you should not forget, that is your studies. Schools are not closed. Only school buildings are closed. Our teachers working even harder. Teachers are sending academic as well as non-academic work to you every day. They are doing their part, and I hope you are doing your part with full dedication. Because when you are learning new things daily, it will give you more confidence. So once again, I want to say that stay at your home, stay healthy, keep learning, and stay away from coronavirus. अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो, तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकले और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो, उसे दूरी बनाएं।
और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।